नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात में भारत उठाएगा मसूद अजहर का मुद्दा। इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर मसूद अजहर का मुद्दा उठाएगा कंधार कांड में जिसे छोड़ा गया था। ऐसे में अब मसूद अजहर का मुद्दा यहां पर उठाया जाएगा। जैश ए मोहम्मद का सरगना रहा है यहां पर मसूद अजहर, और इसी मुद्दे को उठाएगा भारत। एडिटर नेशनल अफेयर शमशेर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शमशेर सिंह, कह सकते हैं कि ये होना ही था, पहले से ही ये जिक्र था कि मुद्दा उठाया जाएगा आतंकवाद का। ऐसे में मसूद अजहर का अगर मुद्दा उठाया जाता है तो कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, भारत लगातार चीन के कारण ही, चीन ने टेक्निकल रोक लगा रखी है अजहर मसूद को लेकर यूएन, और भारत लगातार इस मुद्दे पर बातचीत करता रहा है, चीन से बात करता रहा है। तो आज फिर ये मुद्दा उठाया जाएगा। पूरा डोजियर जो अधिकारी गए हैं वहां पर, पूरा डोजियर अजहर मसूद का ले जाया गया है, और चीन के साथ ये मुद्दा उठेगा और फिर कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। जो टेक्निकल विड लगाया है चीन ने अजहर मसूद को लेकर, उस पे उससे चीन हटाए उसे, उस रोक को हटाए और अजहर मसूद को यूएन के आतंकवादी घोषित करने पर अपनी अपनी राय दें और मदद करें भारत को, तो इसे लेकर आज फिर मुद्दा उठेगा। पूरा मैं बताऊं कि पूरा डोजियर उसका लेकर तैयार किया गया है। इस डोजियर में अजहर मसूद के वो स्पीचेज हैं, तमाम जानकारियां हैं, तमाम सबूत हैं जो एक बार फिर जो यूएन को भी भेजा गया था, और इन्हीं चीजों को लेकर अब फिर चीन के सामने एक बार और डिस्कस होगा, और कोशिश यही होगी कि चीन जो टेक्निकल बिट लगाया है उसको हटा ले। जी शुक्रिया शमशेर सिंह ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अब देखना ही होगा कि इस मुद्दे को जिस तरीके से उठाया जाएगा, पूरी डोजर के साथ इस मुद्दे को उठाया जाएगा, उसके बाद चीन का क्या रिस्पॉन्स होता है, इस पर सबकी नजर होगी।